बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं YouTube फैमिली? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आपके घर में सब खैरियत। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा खुशते रहे। मैं आपकी शेयर कुरैतुल्लाह किचन से आज मैं बहुत यमी सी डिलिशियस सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें वो जो चटनी है, कौन कौन सी चटनी है? एक है कलौंजी ग्रीन चटनी और दूसरी है इमली की चटनी है, जिसमें गुड़ के साथ बहुत ही यमी, बहुत ही डिलिशियस है। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी तमाम रेसिपी की तरह। इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा और मेरी वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, क्योंकि हर वीडियो की एंड में मैं कोई ना कोई टिप ज़रूर आपको से रिलेटेड बताऊँ। चलिए आइए हम किचन की तरफ चलते हैं और मैं आपको बनाना बताती हूँ कि इस दोनों चटनी को हम किस तरह से बनाएंगे और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और उसको किस तरह से बनाएंगे। चलिए आइए हम चटनी बनाते हैं। मेरे पास 1, 2 या 3 टेबल स्पून कलौंजी है, ये मेरे पास गोल मिर्च है, रेड लाल गोल मिर्च, और ये नमक है। ये मेरे पास अजवाइन है 1-2 टेबल स्पून, ये मेरे पास ब्लैक पेपर है, ये मेरे पास है हरा धनिया, पुदीना और पानी, और बस हम स्टार्ट करते हैं बनाना। ये मैं आपको इमली का पानी बताना भूल गई थी कि इमली बताना। अब मैं इसके अंदर क्या डालूंगी, मैं इसके अंदर हरा धनिया, पुदीना पूरा डालूंगी, ठीक है? इसके अंदर मैंने पूरा डाल देना, ठीक है? ये मेरे पास 2 गड्ढी थी, ठीक है? दोनों हरी मिर्ची, हरा धनिया और पुदीना 2 गड्ढी। फिर इसके अंदर मैंने ये इमली डाली, ठीक है? ये मैंने अजवाइन डाली, ये मैंने ब्लैक पेपर डाला, मैंने इसके बाद मैंने सॉल्ट डाला, ठीक है? मैंने इसके बाद कलौंजी डाली, सारा डाल देंगे, ठीक है? और इसके बाद ये लाल मिर्च डाली है, ये मैंने तवे पे भून लिया था, ठीक है? और इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है? चटनी, ठीक है? और इसके अंदर आप वो भी डाल सकते हैं, अगर आपका कोकोनट मिल्क पाउडर आता है ना, वो भी डाल सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, अगर इसको आप करेंगे तो 2 जैसे आपने बनाया, ठीक है, अब इसके अंदर आपने मिल्क पाउडर डाल दिया, कोकोनट मिल्क पाउडर, ठीक है? ये देखें कितना गाढ़ी हो गया, और प्लास्टिक में करिएगा ताकि ये खराब नहीं हो, ठीक है? आप फ्रीज कर दीजिएगा इसको, डिफ्रीजर कर दीजिएगा, ठीक है? नमक है, ये मेरे पास ऑर्गेनो है, ठीक है? ये मेरे पास इमली का पानी है, ठीक है? ये मेरे पास हरी मिर्चें सिर्फ 3 लेनी है, ठीक है? आप और स्पाइसी करनी है तो और ज़्यादा ले लें। और ये मेरे पास गुड़ है, और ये मेरे पास थोड़ा सा पानी है, ही जिसमें मैंने हरी चटनी बनाई थी, ठीक है? इसमें मैं ये इमली डालूंगी, इमली का पानी, ये गाढ़ा है, ठीक है? मैं थोड़ा सा इसमें पानी लेके साफ कर लूंगी थोड़ा सा, ठीक है? आपने पतली जितना रखना है इसको रखनी, ठीक है? थोड़ी सी मैं बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना, ठीक है? और इसके बाद मैंने इसके अंदर ऑर्गेनो डाला, ठीक है? मैंने इसके अंदर हरी मिर्च डाली, ठीक है? मैंने इसके अंदर गुड़ डाला, गिर गया ये मुझसे, ठीक है? और ये मैंने नमक डाला, ठीक है? सारा 1 टेबल स्पून है, ठीक है? अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। बॉटल में डाल दिया, ठीक है? और ये देखें, ये तैयार है, ये ग्रीन चटनी, ये ग्रीन चटनी है, ये इमली की चटनी है, ठीक है? गुड़ इमली चटनी, और ये मेरे पास एक और, ये मैंने 2 ग्रीन चटनी तैयार करी और ये मैंने इमली गुड़ की चटनी तैयार करी। ये देखें हमारी चटनी तैयार है, कलौंजी ग्रीन चटनी और गुड़ की इमली की चटनी, जो कि बहुत ही यमी, बहुत ही डिलिशियस है। इंशाल्लाह आपको मेरी ये चटनी बेहद पसंद आएगी। जाते जाते मैं एक टिप्स बताती चलूँ कि आपने क्या करना है कि हरा धनिया, पुदीना, इन सबको कट करके एक पाउच में, एक बैग में डाल देना है, प्लास्टिक के बैग में, और उसको डिफ्यूज़र कर देना है। जब आपने हुआ, आपने 15 डेज़ के बाद उसको निकाला या 2 हफ्ते, जब भी आपको उसकी ज़रूरत हुई, आपने फटाफट चटनी बनाई
और आपने इसको बना के अपने पास दोबारा से रख लिया। मैं यही करती हूँ कि अभी मैंने चटनी बनाई है, मैं वो कट करके हरा धनिया अपने पास रख लूँगी और जब होगा मैं दोबारा से बना लूँगी। चले मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा आऊँगी न्यू रेसिपी के साथ। यू ऑल ऑफ यू टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।